हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोमोज और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आइए देखते हैं। पहले मोमोज की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, गाजर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। दो मोटी वाली बड़ी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी। ये वही लाल मिर्च है जिससे हम मिर्च का अचार बनाते हैं। इससे हम स्पाइसी सी चटनी बनाएंगे मोमोज के साथ। एक पैन को हीट करके उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें अदरक और लहसुन को सौते कर लेंगे। हरी मिर्च भी इसी में डाल के सौते कर लेंगे। फिर इसमें पत्ता गोभी, गाजर डाल के पानी सूखने तक इसको भूनना है। इसमें काली मिर्च, नमक डाल देंगे। इसकी फिलिंग काफी ड्राई रखनी है ताकि स्टीम करते टाइम मोमोज पानी से फटे नहीं। फिलिंग को ठंडा करने के लिए रख देंगे और इस बीच हम मोमोज के डो की तैयारी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी मैदा, आधी कटोरी आटा और 1 टीस्पून नमक। इसको मिक्स करके पानी डाल डाल के गूंद लेंगे और 1 टीस्पून ऑयल लगाकर थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। इसको मलमल के गीले कपड़े से या सेलोफीन से ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर बेल लेंगे। ध्यान रखना है कि काफी पतला बेलना होता है, क्योंकि अगर मोटा रहा डो तो कच्चा रह जाएगा। मोमोज अब फिलिंग भर के इसको मोमोज की शेप दे लेंगे। इस तरह से
सारी की प्लेट्स की तरह हल्के हाथ से प्लेट्स बना बना कर इसको पैक कर लेंगे, पोटली का शेप दे लेंगे। फिर इसके बाद इसको स्टीमर में स्टीम होने रख देंगे। स्टीमर की जाली को ब्रश से ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के। अब इसकी स्पाइसी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए 2 साबुत लाल बड़ी मिर्च लेंगे जो अचार वाली होती है। 4 कली लहसुन के साथ पीस लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा लहसुन अदरक भून के इसमें मिक्सचर डाल के बॉईल कर लेंगे। फिर इसको ठंडा करके इसको लहसुन और नमक के साथ पीस लेंगे। बस 1 टीस्पून ऑयल गरम करेंगे पैन में और इसमें अदरक लहसुन बारीक चॉप करा हुआ भून लेंगे। अब जो लहसुन लाल मिर्च और नमक का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। इस पॉइंट पे नमक को टेस्ट कर लीजिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें और डाल सकते हैं। इसमें टोमेटो केचप और विनेगर डाल के थोड़ा सा पका लीजिए। इतनी मज़ेदार चटपटी यमी चटनी बनके रेडी है। इसको गरम गरम मोमोज के साथ एंजॉय करिए।